पुलिस को बोलिए थोड़ा सा कुछ और भी तो लाया करे, हमेशा सब में एक ही कहानी आती है, बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे या माँ बाप को मार देंगे, सब है ये, इनकी भी जांच के लिए कहना पड़ेगा कि इनकी डिग्री चेक कराई जाए, पैसे लेके कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, पर इसका मतलब तो समझाइए। विच डॉक्टर कैन पॉइंट आउट, ना आरोपी का एग्जामिन किया वो डॉक्टर है। हाँ ये वही डॉक्टर। अभियोजन का 25 प्रकार है कि अभियुक्ति अभियोजन साक्षी क्रमांक द्वारा दिनांक 7/7/2016 को रात करीब 8 बजे घटना की रिपोर्ट दिनांक 9/7/2016 को करीब 11:30 बजे देहाती नरसी पर संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा में इस आशय की लेखबद्ध कराई कि वह शासकीय स्कूल प्राथमिक पाठशाला रामनई में कक्षा 8वीं में पढ़ती है। वह अपने माता पिता के साथ अपने मामा के यहाँ दिनांक 6/7/2016 को ग्राम तपा गई थी। दिनांक 7/7/2016 को शाम करीब 8 बजे वह अपने मामा के घर के दरवाजे पर खेल रही थी, तभी उसके मामा का लड़का बड़कू उर्फ शैलेंद्र उसे हाथ पकड़कर दुर्गा मंदिर के पीछे एकांत में ले जाकर सो एंड सो उसके साथ गलत काम किया, कहा कि बताओगी तो जान से मार डालूंगा। वह डर के कारण अपने माता पिता को नहीं बताई। दिनांक 8/7/2016 पुलिस को बोलिए थोड़ा सा कुछ और भी तो लाया करे, हमेशा सब में एक ही कहानी आती है, बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे या माँ बाप को मार देंगे। मध्य प्रदेश पुलिस जो है उसके पास नए आइडियाज की कमी हो गई है। हाँ चलिए आगे चलिए। दिनांक 8/7/2016 को वह गाँव वापस आई, तब वह अपने माता पिता को घटना के बारे में बताई। उसकी तबीयत खराब होने से उसे रीवा डेट ऑफ अस्पताल बर्थ क्या है प्रोसिक्यूटरीज की? लड़से पे 14 वर्ष 2 माह 2 दिन थी डेट ऑफ टाइम ऑफ इंसिडेंट लड़ते, और उसमें स्कॉलर रजिस्टर के आधार पर लड़से डेट ऑफ बर्थ एंट्री हुई है। उनके फादर पैरा 5 में बोले हैं कि मैं एक्चुअली जनतेश नहीं मालूम थी, जो आंगनबाड़ी वालों ने बताया था उसके आधार पर मैंने लिखा दिया था। उसने जो बताया है कि मेरी बड़ी बच्ची की उम्र इतनी है, उसके हिसाब से लॉटरी भी 18 साल के आसपास आती है। आसपास आती है, 18 साल के ऊपर आती है, आसपास से काम नहीं चल पाएगा आपका जी, आप तो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, मामा के लड़के हैं जी, और ये एफएसएल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लॉटरी निगेटिव है, ऑफिसल तो साल भर बाद की एफएसएल रिपोर्ट पेश है, नहीं हुई। डीएनए हुआ नहीं है लॉटरी, तो कैसे होगा, कितने दिन बाद की रिपोर्ट है ये? दो दिन बाद, 2 दिन बाद की जी। इंजरीज हाँ एमएलसी देखने पे एमएलसी एग्जिट एट P8 P8 यस। रिपोर्ट इन्होंने हॉस्पिटल से लिखवाई, लॉर्डशिप हॉस्पिटल में एडमिट थी तभी रिपोर्ट लिखवाई है। एमएलसी होगी हाँ सर, ये है पी यू एग्जामिन बाय PW5 ठीक, एफएसएल रिपोर्ट से डिले का रीजन भी उन्होंने असाइन किया कि डिले का रीजन क्या क्लोज रिलेटिव थे इसलिए उन्होंने हाँ उतना ठीक टाइम है। दिया अब तो रिपोर्ट में। एज का डॉक्टर ने क्या कहा डॉक्टर PW5 ने? डॉक्टर इंजरीज सर दे डॉक्टर कहता है डिफरेंट ओपिनियन कैन बी गिवन आफ्टर एफएसएल रिपोर्ट वो लड़ते, तो ठीक है, और एफएसएल रिपोर्ट छिपाई है लेकिन वो एग्जिबिट नहीं है, प्राइवेट लेकिन पार्ट पर चोट है, लालिमा है, ब्लीडिंग है। क्यों नहीं इनकी जांच कराई गई? आई डोंट नो एफएसएल के लिए उन्होंने सैंपल तो दिया था पर हाँ फिर पर क्या हुआ, उसके बाद किसकी जिम्मेदारी? एफएसएल रिपोर्ट नहीं है डॉक्टर। आप क्या डॉक्टर साहब लेके जाते हैं क्या सैंपल को नहीं एफएसएल सैंपल कराने के तो लिए? पुलिस कांस्टेबल ही लेके फिर जाता है, वहां से क्लोजली रिलेटेड थे इसलिए उन्होंने डिले एफआईआर भी। अरे वो तो ठीक है, ये कोई बहाना हुआ क्या इनकी जांच करने के लिए बोल देते हैं आईओ साहब की कि क्यों नहीं कराया इन्होंने एफएसएल? एफएसएल है एफएसएल है हाँ अभी तो सर, बोलते एफएसएल नहीं है। आप कह रहे नहीं है, मैं हाँ लॉट से एग्जिबिट पैराग्राफ 12 में आया है एग्जिबिट नहीं है, बाद में पेश आया रिकॉर्ड में एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं है। लगा हुआ है, देन कहाँ आफ्टर लगा है एफएसएल? पैराग्राफ नंबर 20 में है कि एफएसएल रिपोर्ट के इंटरनेट अंदर आपको स्लाइड देखना में है, शुक्राणु पाए गए हैं। पेज नंबर 27 में सर है, जो डॉक्यूमेंट वाले पेजिंग हुई सर पेज नंबर 27 जी जी देखिए भाई, डॉक्यूमेंट वाले में 27 ये लगा हुआ है, इस पे एग्जिबिट तक नहीं लगा। ये फिर आईओ साहब की गलती है, ट्रिक्स से तो सपोर्ट किया है पूरा केस। प्रोसिक्यूशन ने पूरा केस सपोर्ट किया लॉर्डशिप, देन मदर फादर मदर ने भी सपोर्ट किया पूरा भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी को। कुछ है ना सर, इन फॉर्म में स्पेसिफिक फंडिंग हो रही है, हाँ कुछ हम सॉरी वी आर नॉट इंक्लाइंड, क्या करना है?
आठ साल से ऊपर हो गए, रुबेंद्र सिंह जी आठ साल से ऊपर हो गए क्या हो होंगे गया? दैट इज नॉट अ ग्राउंड। सर। मेडिकल में तो कुछ है नहीं। अरे मेडिकल में कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा कि एमएलसी पढ़ के बताएं आपको, डॉक्टर की ओपिनियन नहीं, इसकी इसकी भी जो मैसेज जो अपीलांट की भी है, अप्लीकेंट की भी अलॉट थे, उसमें भी डॉक्टर के ओपिनियन है, पीडब्ल्यू क्या अलॉट क्या थे। इज इनकेपेबल ऑफ। हाँ वो मतलब वो 3-4 दिन पहले के लक्षण नहीं पाए गए, मतलब इंटरकोर्स का ऐसा आया है, पांडे कैसे बता फिर देंगे पी डब्ल्यू फोर अलॉट थे, पांडे से है? PW4 देखे अलॉट थे। PW4 दे दिखाई, क्या लिखा है, कौन डॉक्टर साहब है ये? डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा, हाँ पढ़िए। हाँ ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पैरा 2 में लौट चुके। टू यह कहना सही है कि जिस दिन मैंने चिकित्सक परीक्षण शैलेंद्र का किया था, में अगर 3-4 दिन पहले फेनम रप्चर होता तो इस दौरान दिखाई देता, परीक्षा के दौरान ऐसे लक्षण नहीं पाए गए जिसके कारण फेनम रप्चर व्हाट इज फेनम रप्चर। कई हफ्तों पुराना है। अरे तो मतलब यह है कि वो पूर्व से अभ्यस्त था, इसका मतलब ये नहीं है कि ही हैज नॉट डन एनी एक्ट। अब आगे पैरम कहती है, यह कहना सही है कि चिकित्सा परीक्षा के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स के लक्षण नहीं पाए गए, इस वजह से मैंने कैसे कैसे नहीं पाएगा ये तो बताएं तो डॉक्टर साहब, इनकी भी जांच के लिए कहना पड़ेगा कि इनकी डिग्री चेक कराई जाए, पैसे लेके कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, पर इसका मतलब तो समझाइए। विच डॉक्टर कैन पॉइंट आउट आरोपी को एग्जामिन किया वो डॉक्टर है, है? जिन्होंने आरोपी का एग्जामिन किया वो डॉक्टर है। हाँ ये वही डॉक्टर।